नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रेव्स राइडर पर। दोस्तों आज के वीडियो पे मैं रिव्यू करने वाला हूँ स्टार क्यू डब्ल्यू थ्री प्रेशर वॉशर पंप। तो अगर आप कोई प्रेशर वॉशर पंप खरीदने के बारे में सोच रहे हो या आपको इस स्टार क्यू डब्ल्यू थ्री के बारे में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। दोस्तों इसकी जो अनबॉक्सिंग है वो तो मैं पहले कर चुका हूँ, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मुझे क्या क्या मिला। सबसे पहले स्वाभाविक सी बात है कि मुझे ये पंप मिला है, और पंप के बाद हमें मिलता है ये इनलेट पाइप। ये नॉर्मल पाइप है, मतलब इसे आप दबाओगे तो आसानी से दब जाता है, नॉर्मल सी पाइप है, और इसकी लेंथ होगी अप्रॉक्स 5 फीट। हमें ये डिलीवरी साइड की पाइप मिलती है, और ये प्रेशर, मतलब प्रेशर वाली पाइप है। इसको दबाओगे तो ये दबने वाली नहीं है और ये प्रेशर झेल जाती है, इसी के लिए बनी हुई चीज़ है। और इसके जो एंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस पर स्क्रू थ्रेड लगा हुआ है, तो इसे कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है। ये वाटर गन, और साथ में एक और चीज़ मिला था, ये है कनेक्टर आप कह सकते हो। पंप के जो इनलेट पे ये लगता है, और ये वाली जो आप जगह देख रहे हो ये इनलेट पे इस तरीके से आसानी से लग जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस पंप की, तो इस पंप का जो मोटर है, ये जो मोटर पार्ट है वो है 1800 वॉट एंड कॉपर वाइंडिंग का है, एंड इसकी जो प्रेशर है वो है 120 bar, एंड इसकी जो डिस्चार्ज है वो है 10 liter per minute। तो 10 लीटर पर मिनट आपको सुन के बहुत कम लग रहा होगा, बट यही खासियत है इस पंप की। इस तरीके के जितने भी पंप आते हैं, जो प्रेशर वॉशर पंप होते हैं या प्रेशर पंप होते हैं, उन पे लगा होता है पिस्टन। इधर पे जो आप देख रहे हो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट पर ये पंप काम करता है, एंड इसकी जो डिस्चार्ज होती है वो कम होती है, बट इसकी जो प्रेशर होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। एंड इसके ऊपर पे एक, अगर आपको इधर दिखाऊं तो प्रेशर मीटर लगा हुआ है, एंड ये जो बटन है ऑन ऑफ का, ये वाटरप्रूफ इसे किया हो गया है ऊपर से, एंड दिस वन इज रीसेट बटन। तो चलिए इसे असेंबल करते हैं एंड इसकी वर्किंग देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जो फिल्टर प्लस क्विक रिलीज अडैप्टर है इनलेट के लिए, वो आपको इनलेट पोर्ट पर लगा लेना है, और इसे आपको ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करने का ज़रूरत नहीं, जितना आप हाथ से टाइट करेंगे मोर देन सफिशियंट होगा। उसके बाद आप लोगों को एग्जिट पॉइंट पर भी लगाना है, जो ओरिंग है उसे आप अंदर पुश करेंगे, और अंदर पुश करने के बाद में स्क्रू थ्रेड पर आप हाथ से टाइट कर सकते हैं। इसे भी ज़रूरत से ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हाथ में जितना आप टाइट कर सकते हैं उतना मोर देन सफिशियंट होगा। दोस्तों जो इनलेट पाइप है उसमें आपको एरो दिख रहा होगा, वो एरो पीछे की तरफ आपको खींचना है। जैसे ही आप पीछे खींचोगे, पीछे खींचने के बाद आपको क्विक रिलीज अडैप्टर पर उसे पुश करना है, और आपको एक क्लिक साउंड आएगा, और क्लिक साउंड आते ही वो अपने प्लेस पर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। गन के साथ भी आपको ओरिंग अंदर की ओर पुश करना है, और अंदर की ओर जब पुश हो जाएगा ओरिंग, तो आपको सिंपली थ्रेड हल्के से टाइट कर लेना है। इसे भी ज़ोर से ज़्यादा टाइट करने का ज़रूरत नहीं है। ओके दोस्तों, मैंने इस पंप को यहाँ पर बिजली से सब जोड़ जाड़ के रख दिया है, एंड पाइप जो इनलेट पाइप है मैंने बकेट के अंदर पे डाल दिया है, बकेट पे पानी भर लिया गया है। एंड सबसे बेस्ट पार्ट क्या है इस पंप का, ये जो पंप होते हैं वो सेल्फ प्राइमिंग पंप होते हैं, मतलब इसमें आप अगर आपने सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी यूज़ किया हो तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ऊपर से पानी डालना पड़ता है ताकि जो चैम्बर है उसमें कैविटेशन मत हो, बट इस पर वैसा नहीं है। आप जैसे ही चालू करेंगे ये खुद से पानी खींच लेगा, इसे प्राइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेकंड बेस्ट थिंग इज़, अभी आप देखिएगा, तो बताना ये चाह रहा हूँ कि इस पर एक प्रेशर ऑपरेटेड स्विच लगा हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ से पंप बटन दबाता हूँ, पानी डिस्चार्ज होती है और प्रेशर लो होता है, वैसे ही ये पंप क्या करता है, प्रेशर बिल्डअप करने के लिए दोबारा खुद से चालू हो जाता है। ये इस पंप का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको बार बार जाके स्विच बोर्ड के पास ऑन और ऑफ नहीं करना पड़ता, आपकी जो पूरी कंट्रोल है वो यहाँ पर से कंट्रोल हो जाती है। दोस्तों इसके साथ जो गन आती है उसकी जो रेटेड प्रेशर इस पर है वो है 150 bar, एंड पंप जो ऑपरेट होता है वो होता है 120 bar, तो इसे यूज़ करना बिल्कुल सेफ है। एंड ये वेरिएबल है, जैसे अभी आप देखेंगे ये पॉइंटेड है, एंड अगर मैं इसे रोटेट करते जाऊँ तो ये स्प्रिंकल भी हो जाती है। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरी जो बाइक है उसकी क्या हालत हो चुकी है, कितनी गंदी है आप देख सकते हैं। बिकॉज अगर आपने मेरी ऑफ रोडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डू वॉच माय ऑफ रोडिंग वाला वीडियो, उसमें आपको पता चलेगा कि मुझे कैसे कैसे रास्ते पर चलना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो गाड़ी की हालत है आप देखते हैं, पूरा नीचे की तरफ से अगर आप देखोगे तो पूरा डर्ट बाइक जैसा गंदा हो जाता है, पूरा कीचड़ लगा होता है, एंड ऐसे कीचड़ वाले चीज़ को ये कैसे साफ़ करता है वो आप देखिए।
आपने देखा कि कितना जल्दी इसे साफ हो गया। और तो आपने देखा कि प्रेशर वाकई काफ़ी तेज़ है और डस्ट वस्ट बहुत आसानी से साफ़ हो जाते हैं। मैं आप लोगों को और डेमो दिखाता हूँ इसे मतलब धो धा के, तो एन्जॉय द वॉशिंग वीडियो। गाइस देखिए ये जो पोर्शन है वो कितना गंदा है एंड इस प्रेशर वॉशर से कितने इजीली इसमें का जो डस्ट है वो बाहर निकल के आता है। तो आपने देखा ये पहले कैसे दिख रहा था और अभी कैसे दिख रहा है, मैं आपको और देता हूँ, और डेमो देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्या है, तो ये मेरे हेक्सा की डोर है एंड आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो गई है अगर मैं दिखाऊं तो, बट इससे आप देखिएगा कितनी जल्दी और कितने अच्छे से साफ होती है। आप यहाँ देखिए ये गाड़ी कितनी गंदी लग रही है। और जो लोग कोरबा एरिया से हैं या जो लोग पावर प्लांट के आसपास रहते हो या तो कोल माइंस के आसपास रहते हो, समझ सकते हो कि ये दाग कितना गाढ़ा होता है। एंड ये जो दाग है ये भी ये। आप देख सकते हैं ये कितनी गंदी हो चुकी है एलॉय, और अभी देखिए कैसे साफ होती है ये। तो दोस्तों मैंने सिर्फ पानी केवल मारा है, आप देख सकते हैं गाड़ी अभी कैसी लग रही है, पहले नीचे कैसे थी और अभी कैसे दिख रही है आप देख सकते हैं। मैंने अपने मोटरसाइकिल को भी, मैं जरा इधर से दिखा दूं, मैंने अपने मोटरसाइकिल को भी तबीयत से पानी मार दिया है। बट जैसे कि आप सभी जानते हैं सिर्फ पानी नहीं मारा जाता है, साबुन भी मतलब झाग भी ज़रूरी होता है। बट इस पर क्या होता है ना, प्रेशर इतना ज़्यादा मिल जाता है पानी से कि प्रेशर से पूरा जो डस्ट पार्टिकल है वो अच्छे से लूज़ हो जाता है। एंड उसके बाद अगर आप शैम्पू अप्लाई करते हो या कुछ भी अप्लाई करते हो तो जो मतलब गंदे से गंदे भी दाग हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो शैम्पू लगाने के लिए इसके साथ एक डिस्पेंसर दिया हुआ था, सॉरी मैं अनबॉक्सिंग के टाइम पर मतलब अनबॉक्सिंग मैं कंटेंट के समय उसे बताना भूल गया, बट वो भी मिला था लेकिन वो कोई काम का नहीं था, वो सिर्फ शैम्पू डिस्पेंसर था। इसलिए मैंने अलग से मंगाया है एक फोम लेंस, तो उससे क्या होता है फोम स्प्रे आप देखे होंगे फोम वॉश जो करवाते हैं वैसा कुछ आप घर पे भी कर सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं फोम वॉश। गाइस फोम गन लगाने के लिए बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, इसी गन पे ये जो नोजल है यहाँ से निकल जाता है, मैंने इसे पहले निकाल दिया है। और उसके बाद आपको चाहिए होगा एक क्विक रिलीज, इसे आपको लगाना है इस पर, ये इस पर लग गया। उसके बाद जैसे पंप के इनलेट में था वैसे ये भी क्विक रिलीज है, तो इसे बस आपको हल्का सा पीछे पुल करना है और इस गन पे लगा देना है, तो ये इसमें लग जाता है। एंड गाइस मेरे पास ना अभी शैम्पू फोम वाला नहीं है एंड इसे शैम्पू बहुत कम है तो शायद झाग आपको कम दिखे, बट ऐसा नहीं, अगर आपके पास फोम वॉश वाली शैम्पू होगी तो तबीयत से झाग निकलती है। एंड ये जो है ये JPT कंपनी का है, स्टार क्यू का नहीं है, तो दोनों आपस में कंपैटिबल होता है, आप चाहे तो ले सकते हैं। आपने देखा ये सिर्फ एक नॉर्मल शैम्पू पे इतना झाग लगा रहा है,
तो आप इमेजिन कर लीजिए कि जो फोम वॉश वाली शैम्पू आती है उस पर ये कितना झाग लगाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरी बाइक जो है पूरी फोम पे नहा चुकी है। एंड ये करने के बाद दोबारा से आप कुछ देर इसे छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद हल्के हाथों से जहाँ पर ज़्यादा दाग है उसे आप निकाल कर दोबारा से स्प्रे कर सकते हैं नॉर्मल पानी से। तो चलिए वही करते हैं गाइस। जो मैं आपको कह रहा था ना कि इसकी डिस्चार्ज होते हमें देखिए पानी कितना निकलता है। इसकी पानी सिर्फ इतनी है, लेकिन इस पर अगर मैं प्रेशर लगाऊं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसी पे काम आता है ये नोजल। अभी आप देखिएगा गाइस, फिलहाल मैंने जो हेक्सा है उसे तो फोम वॉश नहीं किया, बस मैंने आपको डेमो दिखाने के लिए अपने बाइक पर मारा है। तो आप बाइक को देख सकते हैं अभी कैसे दिख रही है। सो, ये तो था इसका डेमो। अब चलिए बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। क्या आपको ये प्रेशर वॉशर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सो गाइस, वर्डिक्ट, क्या ये प्रोडक्ट अच्छा है? डेफिनेटली अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है, खासकर इस प्राइस रेंज में। प्राइस मैं आपको बता दूं, मुझे ये पड़ा था 6,800, जो कि मैंने एक्सेसरीज आपको बताया था उन सभी के साथ, और फोम लेंस था वो मैंने 1,500 का अलग से लिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी सही है इस बजट में। कुछ लोगों को लग सकता है कि यार 6,800 मतलब अप्रॉक्स 7,000-8,000 ज़्यादा हो रहा है, बट जो आपको पंप मिलती है 2,500-3,000 की, वो सेंट्रीफ्यूगल पंप होती है और उस पर इम्पेलर से काम होता है, और ये होती है पिस्टन वाली पंप। तो इसका डिस्चार्ज कम है बट प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो आपको कम बजट पे एक प्रोफेशनल लेवल का प्रेशर वॉशर मिल जाता है, क्योंकि जो प्रोफेशनल प्रेशर वॉशर आते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, बट ये कम पे भी मिल रहा है, पोर्टेबल भी है। अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप एक लाइक डोर टू डोर कार वॉश सर्विस देना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के 5-6 पंप अपने घर पे रख सकते हैं। एंड आप अपने घर से भी ऑपरेट करके 4-5 लड़कों को अपने आप जॉब दे सकते हैं, एंड आप डोर टू डोर ऐसा अपना कुछ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप एक बड़े वाले पंप को घर घर लेके नहीं जा सकते, बट आप एक ऐसा छोटा और पोर्टेबल पंप होगा तो आप उसे कहीं आसानी से ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। और रही बात डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, अगर आप घर के लिए आप यूज़ कर रहे हैं तो घर पर आपका स्टोरेज का जगह भी कम लेता है, एंड मतलब पोर्टेबल है, कॉम्पैक्ट है, और क्या चाहिए, वो भी इस बजट पर। एंड आपने देखा परफॉर्मेंस कैसी है। अगर आप इसकी नेगेटिव पॉइंट मुझसे पूछें तो नेगेटिव पॉइंट में मुझे एक चीज़ जो लगता है वो ये है, इसकी जो पावर कॉर्ड है वो लगभग 5.5 feet के आसपास इसकी पावर कॉर्ड है, जो थोड़ी और लंबी होती तो यूज़ करने में थोड़ा और ज़्यादा कन्वीनियंस होता। एंड सेकेंड जो कमी मुझे दिखी इस पंप पर, वो इसके एक्सेसरीज पर, अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा रस्टिंग होना चालू हो गया है, ये अंदर पे रहता है, तो हो सकता है ये पानी पे हमेशा डूबे रहता हो करके ऐसा हो। तो ऐसा बहुत बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये आपके ऊपर है, आप इसे कितना नेगेटिव पॉइंट में लेते हैं नहीं लेते हैं आपके ऊपर है। एंड बाकी तो यार मुझे पंप बहुत सही लगा, मैं ऑलमोस्ट 7-8 महीने से इस पंप को यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया। नॉर्मली क्या होता है, अगर आप पंप लगातार यूज़ करते हो तो जो मोटर है वो ओवरहीट हो जाती है, बट अभी तक 7-8 महीनों में एक बार भी ये पंप जो है वो ओवरहीट नहीं हुई है। और मैं एक साथ अपनी हेक्सा, जिक्सर, बर्जमैन, वीगो, फ्लेम, अपाचे और मेरी बाइसिकल और स्विफ्ट सब गाड़ी एक साथ धुलती है मेरे घर पर। अभी तो फिलहाल मैं सिर्फ डेमो के लिए इतना मैं आपको करके दिखाया, बाकी इतनी सारी गाड़ियाँ धुलने के बाद भी ये ओवरहीट नहीं होती है। गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं कवर करना भूल गया था, अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो कोई से भी प्रेशर पंप हो, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, जो इसका पॉइंटेड फीचर होता है जिसमें काफ़ी दूर तक इसकी धार जाती है, उसे आप डायरेक्ट अपने गाड़ी के बॉडी पर यूज़ मत कीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आपके पेंट को डैमेज कर सकता है। एंड अगर आप इसे वाइड स्प्रेड पर भी अगर आप अपने गाड़ी धो रहे हो तो रेडिएटर से थोड़ा सा दूरी बना के रखें, बिकॉज रेडिएटर के जो फिन्स होते हैं, अगर आप इसे बहुत नज़दीक से धोओगे अपने रेडिएटर के फिन्स को, तो वो उसके जो फिन्स होती है, जो प्लेट्स टाइप की निकली होती है, वो बेंड हो सकती है, तो उसे आप बेंड करना नहीं चाहेंगे, तो उसे थोड़ा सा दूर से ही यूज़ करें। इसकी जो पॉइंटेड फीचर है, अगर आप उसको यूज़ करना ही है, तो ये गाड़ी की जो अंडर बॉडी है, आप अंडर बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो, आप अंडर बॉडी में काफ़ी गंदगी जमी होती है, तो उसे भी इसे पॉइंटेड करके आप धो के आराम से साफ़ कर सकते हो, बट डायरेक्ट बॉडी पर मत यूज़ कीजिएगा। एंड फिन्स से पॉइंटेड हो चाहे वाइड स्प्रेड हो, फिन्स से थोड़ा सा दूर रखिएगा।
एक और बहुत बड़ा एडवांटेज जो इस पंप का है वो है इसकी जो डिस्चार्ज है वो कम है, तो उससे क्या होता है आपकी जो पानी है वो काफ़ी सेव हो जाती है। नॉर्मली अगर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज़ करोगे या बोरवेल वाला पंप यूज़ करोगे, पानी धड़ाधड़ निकलता है, प्रेशर नहीं रहता और पानी बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाती है। बट अगर आप इस पंप से यूज़ करोगे तो पानी बहुत कम आती है, लेकिन वो कम पानी इतने प्रेशर से आती है कि गाड़ी के पूरे डस्ट पार्टिकल सब लूज़ हो जाते हैं, निकल जाते हैं, आप जो आपने अभी देखा भी होगा। और मैंने इसमें अभी तक सोप अप्लाई नहीं किया है, अगर आप अभी देख सकते हो सोप वोप मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया, सिर्फ पानी से इतनी साफ़ हुई है। तो आप इमेजिन करो सोप अप्लाई करने के बाद, दोबारा इसे पानी मारने के बाद, फिर वैक्स और पॉलिश करने के बाद ये कैसी लगेगी। गाइस एक और चीज़ जो मैं इसमें कवर करना चाहता हूँ, आप इसे अपने गाड़ी वाड़ी सब तो धो सकते हो, वो सब तो ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप चाहो तो अपने घर के टाइल्स धो सकते हो, जहाँ पर एलगे ही जम गया होता है, ग्रीन ग्रीन हो गया रहता है, वो सब बिल्कुल साफ हो जाता है, वो कर सकते हो, कारपेट धो सकते हो, अपने घर की एयर कंडीशनर को भी इससे साफ कर सकते हो, लेकिन वाइड स्प्रेड रखेगा और थोड़ा दूरी, वरना एयर कंडीशनर के भी जो फिन्स होते हैं गाड़ियों के फिन्स की तरह थोड़ी सेंसिटिव होती है, उसकी प्लेट वो बेंड हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से। सो अगर आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया तो आप ले सकते हो, आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा या आप अपने लोकल डीलर पर भी पता कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके कंपटीशन की, तो इसके कंपटीशन पे एक कंपनी है JPT और एक बॉश का आता है शायद, और ऐसे तीन चार कंपनियां हैं। तो ये और JPT एक जैसी हैं, बट JPT थोड़ी सी कॉस्टली है और उस पर ज़्यादा प्रेशर का भी ऑप्शन है, इस पर भी ज़्यादा प्रेशर का ऑप्शन है। ये था 120 बार, बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो जो इससे जो ज़्यादा प्रेशर वाली आती है वो 10-12 हज़ार के रेंज पर है। तो मेरे एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि आपको 10-12 हज़ार के रेंज तक जाने का ज़रूरत नहीं है, ये जो प्रेशर आपको प्रोवाइड करती है वो मोर देन सफिशियंट है एक डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए, अनलेस आपको कोई अर्थ मूवर या डोजर डंपर ये सब अगर साफ़ नहीं करना है तो ये मोर देन सफिशियंट है। इनफैक्ट डोजर डंपर भी इससे अच्छे से साफ हो जाएगा, ऐसी कोई वाली वो वाली बात नहीं है। बट अगर आप चाहिए तो इससे ज़्यादा जो प्रेशर वाली पंप आती है 210 बार की आती है, तो आप वो भी देख सकते हो, बट 120 बार इज़ मोर देन सफिशियंट अगर आप मुझसे पूछोगे तो। एंड जो दूसरी कंपनी की आती है, ये और JPT आपको एक ही जैसे मिलेगी, इसकी जो फॉर्म फैक्टर है इतनी बड़ी सी मिलेगी, ये मोटर, ये पंप और ये हैंडल, बस इतना। और इसके अलावा जो बॉश के आते हैं या कार्चर ऐसे कुछ कंपनी का आता है उसके अंदर आपको मिलेगा यही चीज़, मतलब यही चीज़, लेकिन उस पर क्या किया है ऊपर से फैब्रिकेशन करके उसको थोड़ा पकड़ के आप कहीं भी व्हील्स नीचे लगे होते हैं, एक्स्ट्रा व्हील्स रहते हैं, उसको आप इधर उधर ले जा सकते हो, बट वो आप घर के अंदर इधर उधर करोगे तब के लिए ठीक है, बट ये जो है उससे काफ़ी छोटी भी है और ज़्यादा जगह नहीं घेरती। तो आप मुझसे पूछोगे तो उतना बड़ा वो फॉर्म फैक्टर लेने के बजाय आप ये छोटा और कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो इफ यू थिंक इट्स वर्थ शेयरिंग, अगर आपके कोई कमेंट या सुझाव हो आप मुझे कमेंट के द्वारा दे सकते हैं, एंड डू चेक आउट अदर कॉन्टेंट ऑफ माई चैनल, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड अगर आपको पसंद हो ये पंप तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आप देख सकते हो या आप लोकल डीलर से पता कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी भाई, आप भगवान, आप मेहरबान, आप कदरदान, बस सब्सक्राइब करके जाना। दिस वॉज रवि उत्कर्ष, एज ऑलवेज राइड हार्ट राइड सेफ राइड रिस्पॉन्सिबल, साइनिंग ऑफ।